मुख्यतः सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित निकाय के द्वारा दबाव युक्त और सामान्य समय अर्थात दोनों ही स्थितियों में निवेश परक ग्रेड की ऋण सिक्योरिटीज की खरीद की जा सकेगी और इससे बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने देश में 100 के विनियम को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। मैं प्रस्ताव करती हूं कि जो जितने वित्तीय गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी को लगाने का है। मैं बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किए जाने का है, जिससे इसके लिए बीमा कंपनियों में अनुज्ञेय FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% की जा सके और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को स्वीकृति दी जा सके। इस नई संरचना के अंतर्गत बोर्ड के ज़्यादातर निवेशक और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रेजिडेंट इंडियन होंगे, जिनमें कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और लाभ का एक विशेष प्रतिशत सामान्य रूप से आरक्षित रखा जाएगा। एक नई संरचना को स्थापित करके तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए उच्च स्तर का प्रावधान कर सके, इसके लिए ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे बैंक के बही खाते ठीक हो सके। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथों में लिया जा सके। फिर उसके बाद उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया जा सके और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके। PSB का पुनर्पूंजीकरण। PSB की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए और का पुनः पूंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। जमा बीमा। पिछले वर्ष सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपॉजिट बीमा कवर को 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए तक कर दिए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। हम इसी सत्र में DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से समय पूर्वक अपनी जमा राशि को इस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिल सकेगी जो कि इस समय तनावग्रस्त हैं। छोटे मोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए NBFC के लिए, जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपये तक की हो सकती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम